जमीन में बने हुए हैं। अरे बारह साल आप लोग के बीच में मैं वैसे विचार कर रहा हूँ, आप लोग की सेवा में तत्पर आगे रहा हूँ। मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूँ, मेरा एक ही मुद्दा है अपने भाइयों को बचाने का। फिर बस्ती पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही चीज है, एक भाजपा है और एक भाजपा की भी टीम है। कोई भी चुनाव आता है तो हमारे किसी मोहम्मद भाई को मार दिया जाता है और सारे वोटों का ध्रुवीकरण कर दिया जाता है। बस हम कार्यकर्ताओं को अपने भाइयों के पास जा जाके बताना है कि एक भाजपा है, भाजपा की भी टीम है। हमें उन्हें समझाना है कि आप आइए हमारे साथ, और भाजपा का कोई हरा पाएगा तो बहुजन समाज पार्टी है और कोई है नहीं। आज बाकी देख लीजिए, अगर कोई हरा पाया है तो बहुजन समाज पार्टी हरा पाई है। एक ही मुद्दा है, हम लोग को जाना है अपने मोहम्मदन भाइयों के बीच में और कहना है, समझाना है कि अगर कोई हम लोग को एक ये भाजपा की जो भी टीम है वो आपको जिंदगी भर गुमराह करती है, 7 चुनाव लड़ा चुकी है, एक ही नहीं जीता पाई है, कोई एक मुद्दा बोलने वाला है। अतीक भाई को मरवाया, जब चुनाव आया मुख्तार भाई को मरवाया, 2026 में देखिएगा आजम खान साहब को ये मरवाएंगे। ये दोनों मिलके लड़ना है और जाके बताना है हम लोगों को कि हम लोगों को करना क्या है। दलित भाई और मुसलमान भाई मिलके अब की बार भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। क्या कहते हैं, देखेंगे। जय हिंद साथियों।